मिला ना, वो जवाब बिल्कुल गलत, बिल्कुल दिशा भूल था। पहले तीन आदमी लोग वहाँ आए मोटरसाइकिल पर। जब कोई त्यौहार आता है तो खुशी मनाने की बात होती है, परंतु वो गेरुआ झंडा लेकर मोटरसाइकिल में आकर और राम मंदिर जो बिल्कुल मुस्लिम एरिया में है वहाँ आकर नारा लगाने लगे कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया हुआ है कि अगर जो पढ़ता है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़े, बल्कि उसका अपमान मत करो। ये राष्ट्रगीत के लिए भी है, राष्ट्रगीत भी कोई पढ़ना अनिवार्य नहीं है लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। हम राष्ट्रगीत पढ़ते हैं और बहुत सारे मुसलमान वो वंदे मातरम भी पढ़ते हैं, परंतु अगर रिलीजन की बात कहेंगे आप, हमने कोई जबरदस्ती नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट का के डायरेक्टिव को मैं मान रहा हूँ तो जो लोग मुझे कह रहे हैं ज़बरदस्ती, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हमने कहा कि भाई हम वहाँ पर नारा लगा रहे हो कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा, तो वो जो है पुलिस ने आया सबको हटा दिया, अब कि सब चले गए, ख़त्म हो गई बात। फिर रात को आए 10-15 लोग मोटरसाइकिल में, फिर आके नारा लगाना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे झगड़ा हो गया आपस में। तो पुलिस ने उससे कहा गया कि तुम जो है इन पे केस करो, ये लोग यहाँ पे आके ऐसा माहौल ख़राब कर रहे हैं। पुलिस ने कुछ केस नहीं किया, उनको अंदर राम मंदिर में भेज दिया और सबको हटा दिया। उन लोगों ने फ़ोन करके फिर 200-250 लोगों को बुलाया और मुसलमानों ने बुलाया, झगड़ा हो गया वहाँ पर। तो मैं पुलिस के FIR में है कि 250 लोग नॉन मुस्लिम की तरफ से, 250 लोग मुस्लिम की तरफ से आए, लेकिन और आपस में झगड़ा हुआ आपस में, लेकिन 250 लोगों पे ही जो मुस्लिम आए उन पे केस हुआ, दूसरे पे कोई केस ही नहीं हुआ, एक पे नहीं हुआ। और एक आदमी मुनीरुद्दीन जो सामने मकान है, जो शटर के अंदर चारों दरवाजे बंद, पूरी सोसाइटी के लोग जानते हैं अच्छी तरह से, वो खड़ा के घर से आके देखा क्या हो रहा है यहाँ पर, पुलिस ने गोली मारी। पुलिस कह रही कि हम जो ना अगर बैठ के गोली मारते ना नीलिंग पोजीशन में, तो वहाँ सामने बीच में डिवाइडर है, गोली वहाँ जा ही नहीं सकती। और उस जिसने FIR किया उसने कहा, जब वहाँ रात को अंधेरा था, बिजली भी नहीं थी, और उस जगह हमने मुनीरुद्दीन को बचा, क्यों मुनीरुद्दीन को गोली मार दिया, बाद में उसका नाम ले लिया कि उसको देखा। मुझे अफसोस है आज कि मैंने इंसाफ मांगा और मैंने वीडियो भी ला के दिया, मगर हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि हमें सब इंक्वायरी मालूम है, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं। अरे आप कहते हैं इंक्वायरी करेंगे, हम आपको वीडियो दे रहे हैं, आप वीडियो देखने तैयार नहीं है। आपका ये समझ, ये सरासर पुलिस की ज्यादती है। जिस पुलिस वाले ने FIR किया उसने गलत FIR किया, झूठ बोला उसके अंदर, लाइट नहीं, आपने मुनीरुद्दीन को पहचान लिया और उसको कंपनसेशन देने को तैयार नहीं, ये इशू था। लेकिन इस इशू को डाइवर्ट करके वंदे मातरम लाया जा रहा है। मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर सिर्फ रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मजहब में कहा गया है। मैं कोई आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आप जाकर हर एरिया में जाकर इस तरह से नारा लगाएंगे कि तो मैं समझता हूँ कि वो लोग देशद्रोही हैं, वो लोग कानून का अपमान कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अबू भाई आप बार बार एक चीज़ कह रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल खड़ा किया जा रहा है और साथ ही में ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, लेकिन फडणवीस कहते हैं कि ऐसा कोई मजहब नहीं है जो ये कहे कि माँ के सामने ना झुको। फडणवीस साहब, माँ के सामने भी नहीं, सर नहीं झुकाना है, मतलब माँ का सजदा नहीं करना है। इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह को हम इतना इज्जत का, अल्लाह के बाद उनके लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन उनका भी सजदा नहीं करना है। सजदा मतलब उनके आगे झुक के वो नहीं करना है, ये हमारे मजहब में। अब इनको बहुत ज़्यादा मजहब मालूम है तो बोल रहे हैं इस तरह बातें कर रहे हैं। मैं किसी का मजहब अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं मुसलमानों का, अरंडोल जलगांव में है, 300 साल पुरानी मस्जिद, सिर्फ 3-4 दिन की बात है। अरंडोल के अंदर किसी कुछ ये कट्टरपंथी लोग गए कि यहाँ भी कोई मंदिर थी या कोई देवता थे, अब हर जगह देवता ही प्रकट हो रहे हैं। जहाँ मुसलमानों की मस्जिद है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, दुनिया की जितनी चीज़ें मुगलों ने मुसलमानों की है, हर जगह जो है ये प्रकट हो रहे हैं। तो वहाँ पे इन्होंने, जब वहाँ के लोग गए, ट्रस्टी गए कि साहब ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ऐसा है, वो कलेक्टर ने अहंकार में उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, पुलिस से भगवा दिया और वहाँ पे एंट्री में एक ऑर्डर दे दिया कि यहाँ मस्जिद बंद और आज से नमाज नहीं होगी। ये क्या है, पूछो, सुनिए। उसके बाद हाई कोर्ट में गए लोग, हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल नमाज होगी, ऑर्डर दे दिया हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कानून को माना। लेकिन हर जगह इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, चारों तरफ जा करके सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली, क्या आक्रोश, किसके खिलाफ आक्रोश है, क्या गलती है बताओ, आओ बात करो टेबल पर बैठ के सामने सामने कि कौन सा मुसलमानों ने गलती किया है, क्या है गलती तुम करो और हमको ये कहो। चारों तरफ गालियां दी जा रही है, मुसलमानों को मार दो, इस देश से निकाल दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, ये क्या है, ये सब चीज़ें
मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग करके ये लोग जो पोलराइजेशन करना चाहते हैं, समझते हैं कि इससे जो है मेजॉरिटी के लोग खुश होंगे और जो देश को बर्बाद कर दो लेकिन ऐसी चीज़ें लाओ इससे हम सत्ता में बने रहेंगे। ये 2014 से शुरू हुआ देश नहीं, ये ऐसा मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि वंदे मातरम यहाँ रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा, तो चिल्लाने लगे पढ़ना होगा। मन कर नहीं पढ़ेंगे, क्यों पढ़ना होगा जब हमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपकी मर्जी पढ़ो आपकी मर्जी नहीं पढ़ो, हम उसकी रिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, हम खड़े हो रहे हैं उसकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह करोगे, आपने इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश किया और पोलराइजेशन करने की कोशिश किया। नो नॉट एट ऑल, नहीं नहीं मैं नहीं।